हेलो गाइज, वेलकम टू SKM डिजिटल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर आपने PNB में एक डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन किए हैं और आप उस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से PNB के इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना है और आप किस तरीके से PNB वन एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल को ओपन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे PNB। टाइप करके आप सर्च पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप PNB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि PNB की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉगिन का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटरनेट बैंकिंग का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको दोबारा से इस जो लॉक वाला आइकन है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी इंटर करना है। यूजर आईडी आपको जरूर मिला होगा, अगर आपने अपने अकाउंट को ऑनलाइन ओपन किया है तो आपको मेल के द्वारा आपका अकाउंट नंबर और एक यूजर आईडी ऊपर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका IFC कोड होता है, तो उसी यूजर आईडी को आपको यहां पर इंटर करना है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन अकाउंट ओपन करवाएं तो आपको यहां न्यू यूजर पर क्लिक करना है। मेरे पास यूजर आईडी है लेकिन पासवर्ड मेरे पास नहीं है, तो हम किस तरीके से पासवर्ड बनाएंगे और कैसे यूजर आईडी के माध्यम से हम लॉगिन करेंगे, तो आपको क्या करना, आप यहां पर अपना यूजर आईडी इंटर करेंगे। यूजर आईडी इंटर करने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कंटिन्यू का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने यहां पर यूजर आईडी आ जाएगा और यहां पर आपको पासवर्ड इंटर करने को कहा जाएगा और नीचे आपको कैप्चा कोड देखने को मिल जाएगा, तो आप यहां से कैप्चा कोड इंटर करेंगे। लेकिन आपके पास पासवर्ड है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फॉरगेट पासवर्ड का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर उसी यूजर आईडी को इंटर करना है जो आपको PNB बैंक की तरफ से ईमेल के द्वारा मिला था, तो उस यूजर आईडी को आप यहां पर इंटर करेंगे। और यहां पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहां पर अपना पैन नंबर इंटर करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो PNB बैंक की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आप यहां पर इंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर इंटर करना है। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेबिट कार्ड डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड नंबर इंटर करना है, जो आपके डेबिट कार्ड पर 16 डिजिट का नंबर होता है, उस नंबर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर इंटर करना है और यहाँ पर आपको अपने ATM का पिन इंटर करना है। 4 डिजिट का पिन होता है, आप उस पिन को यहाँ पर इंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यानी अब यहाँ पर आपको पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है। जैसे कि आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेट इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको
टोटल 25 कैरेक्टर का या फिर 28 कैरेक्टर से 6 कैरेक्टर के बीच में आपको पासवर्ड बनाना है। जैसे कि कुछ नंबर हो सकते हैं, कुछ स्पेलिंग हो सकते हैं और आपको कुछ सिंबल के साथ पासवर्ड क्रिएट करना है। इस पासवर्ड को आप सेट करेंगे तो आप जब भी अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो ही पासवर्ड आपको इंटर करना पड़ेगा। और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड का, आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने इस पर ट्रिक कर दिया है। इस वाले पासवर्ड को जो आप सेट करेंगे, ये जब भी आपको ट्रांजेक्शन करना होगा तो आप इस पासवर्ड को डालेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले 28 या फिर आप 6 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद दोबारा से आप उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि योर पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक गो टू लॉगिन पेज टू लॉगिन। यानी आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली रीसेट हो गया है, अब आप इस वाले पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा गो टू लॉगिन पेज का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अपना वही यूजर आईडी इंटर करेंगे। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू का, आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ऊपर यूजर आईडी आ जाएगा, नीचे आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है। जो अभी आपने पासवर्ड रीसेट करके नया पासवर्ड क्रिएट किए थे उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैप्चा कोड का, तो आप यहां पर कैप्चा कोड इंटर करेंगे। लेकिन अगर आपको कैप्चा कोड नहीं समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है तो आप यहां रिफ्रेश पर क्लिक करके अदर कैप्चा कोड यहां पर मंगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लैंग्वेज का, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनल सेटिंग का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे कि आप क्या ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं डैशबोर्ड ओपन करना चाहता हूं पीएनबी का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर रहा हूं, तो यहां पर कुछ टर्म कंडीशन आ जाएंगे। नीचे आपको कुछ नोटिस देखने को मिल जाएगा, तो आपको इन सभी को अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, तो आपको इन सबको अच्छे से रीड कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है तो मैं एक एक करके पढ़ूंगा नहीं, आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एग्री का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा पीएनबी की तरफ से। उस पासवर्ड को आप यहां पर इंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, आप यहां पर देख सकते हैं कि प्लीज आंसर एनी 7 out of 50 क्वेश्चन, यानी यहां पर टोटल 50 क्वेश्चन पीएनबी की तरफ से दिया गया है, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। यानी अगर आप इसको सेट कर लेते हैं 7 क्वेश्चन को, तो अगर आप कभी भी अपना इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से उसे रीसेट कर सकते हैं। आपको टोटल 7 क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस बॉक्स पर चेक करेंगे उसका आपको रिप्लाई यहाँ सामने करना है। तो चलिए आप जल्दी से 7 क्वेश्चन का रिप्लाई कर लेंगे, तो चलिए हम कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने टोटल 7 क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया। अब हम नीचे जाएंगे, नीचे आने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पंजाब नेशनल बैंक इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको इतना प्रोसेस कम्प्लीट करना होगा, उसके बाद ही आप पंजाब नेशनल बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें पीएनबी का इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।